ठीक है बच्चों, देखिए ये मॉडर्न स्कूल है अलीगंज से, और इसका मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ हाफ एली का 2023 का, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैंने ये सॉल्व करवा दिया है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सॉल्व करवाऊँगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर अपना कोड बना सकते हैं तो अपना कोड बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, मतलब हाँ पेपर है ग्रुप पर। देखिए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी इफ मेंबर रिटर्न्स द इश्यूड बुक लेट आफ्टर द ड्यू डेट अ फाइन इज चार्ज्ड एज फॉलोज। अप टू 5 डेज में 1 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ेगा, और आफ्टर 5 डेज में आपका 5 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर ऑफ डेज आफ्टर ड्यू डेट एंड प्रिंट द फाइन। करना चालू करो, कैसे करोगे? 5 डेज का 1 रुपीज है और आफ्टर 5 डेज 5 रुपीज है। जल्दी से बताओ, इसमें आफ्टर 5 डेज वाला जो कैलकुलेशन है वो 5 डेज माइनस करके किया जाएगा या डायरेक्ट किया जाएगा मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल सही, 5 डेज माइनस करके किया जाएगा। थोड़ा फास्ट ट्रैक में हम लोग करेंगे जिससे एक ही क्लास में हो जाए ये। क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ए। यस बेटा, अब इसमें जो है सबसे पहले आपका इंपोर्ट वाली लाइन, फिर क्लास, क्लास का नाम आप लाइब्रेरी रख सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, देन स्कैनर वाली लाइन, और अब यहाँ पे क्या चाहिए, एंटर नंबर ऑफ डेज चाहिए, एस ओ पी एल एन एंटर नंबर ऑफ डेज, और आई एन टी एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी उसके बाद इफ जो, अच्छा हाँ यहाँ पे मैं वो जो चार्ज वाला वेरिएबल है वो भी लेना पड़ेगा, इसमें कोई भी परसेंटेज वाला नहीं, तो आई एन टी में ही आप ले सकते हैं, एन टी चार्ज इज इक्वल टू 0 इफ चार्ज इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ नंबर ऑफ डेज, यस नंबर ऑफ डेज मैंने किसमें लिया, एन में, एन इज लेस देन इक्वल टू 5 देन चार्ज इज इक्वल टू एन इन टू, और आपका 1 रुपीज दिया गया है। ठीक है, और एल्स चार्ज इज इक्वल टू, तो आपका 5 डेज माइनस कर दीजिए, एन माइनस 5 इनटू, और आफ्टर 5 डेज आपका 5 रुपीज पर डे है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है अलीशा, ऐसे ही किया था? Yes. उसके बाद फिर आप प्रिंट करा दीजिए, एस ओ पी एल एन लाइब्रेरी चार्ज, हाँ जल्दी बताओ। अच्छा वो पुराना वाला ऐड भी तो करना है, ठीक 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 ठीक
ये कहाँ चला गया? ये अभी तो लोग बहुत बोल रहे हैं, इसी वजह से चला गया। ये मैंने कहा है आप लोगों को करना है, हमसे जल्दी करने की कोशिश करो, है ना। लास्ट वाली लाइन में लिखे दे रहा हूं, चार्ज वाला अब चला ही गया है वो। तो चार्ज इज इक्वल टू, पहले 5 डेज का 1 रुपीज था ना, तो आप चाहे 5 ही लिख दो और चाहे 5.5 × 1 लिखो, दोनों चीजें सेम रहेंगी। हाँ, तो यहां पर n-5 लास्ट वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, इंटू और 5 डेज 5 रुपीज ही था, तो बस ये कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा फाइनल चार्ज या लाइब्रेरी चार्ज। हाँ, मैं दिखा रहा हूं पहले। तो पहले 5 दिन में 1 दिन का 1 रुपीज था, तो वो तो ऊपर इफ में कैलकुलेट हो जाएगा, और 5 दिन के बाद मान लीजिए आपने 8 दिन तक जो है बुक रखे रहे, तो 5 दिन का तो 1 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, और जो बचे हुए 3 दिन है तो हमने क्या किया, n-5 कर दिया है, तो आपका 8-5 यानी 3 निकल आएगा, तो 3 डेज का आखिरी वाले 5 रुपीज के हिसाब से होगा, और वो 5 दिन का 1 रुपए के हिसाब से था, इसलिए डायरेक्ट 5 लिख दिया गया है, बस इतना ही रहेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी है, राइट अ प्रोग्राम, थोड़ा सा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज, जेंडर मेल फीमेल कैरेक्टर में और पर्सन, प्रिंट वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट, और मिनिमम एज फॉर मैरिज 18, हाँ फीमेल के लिए 18 है और मेल के लिए 21 है। सिंपल है, बहुत अच्छा है, देख लिया, पढ़ लिया, कितनी चीजें इनपुट करनी है, एज और जेंडर इनपुट करना है, ठीक है। और इफ कंडीशन में आपको मैच कर लेना है कि अगर वो मेल है तो उसकी एज अगर 31 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है मैरिज के लिए, अगर फीमेल है तो 18 से ज्यादा है तो, अदरवाइज नॉट। करके देखो तुरंत, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। मैं स्कैनर वाली लाइन के नीचे से लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हमें एज चाहिए, तो INT में ले लिया मैंने, AG, और जेंडर कैरेक्टर में लेंगे कैर GN, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चाहे तो डाल सकते हैं /U 40, ओ नहीं है, 0 है। उसके बाद SOPLN एंटर एज एंड जेंडर ऑफ पर्सन, दोनों चीजें एक साथ कर रहा हूं मैं, वैसे आप अलग अलग भी इनपुट करा सकते हैं। अब यहां पर एज इज इक्वल टू sc.next int और एज ये हो गया, और जेंडर gn इज इक्वल टू sc.next.caret0। बच्चों ये कैरेक्टर इनपुट करने वाली लाइन याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये आपकी फंस जाएगी मामला, अगर आपने कैरेक्टर इनपुट करना नहीं, आप स्ट्रिंग तरीके से इनपुट कर लोगे गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो या नेक्स्ट लाइन डॉट कैरेट जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों लाइनें परफेक्ट हैं। उसके बाद आप अलग अलग आप मैच करा लिए, मेल का अलग मैच कराइए एज और जेंडर, और फीमेल का अलग मैच कराइए। तो इफ एल्स
इफ में या एल्स में कर सकते हैं आप। हाँ, अगर यहाँ पे जेंडर को हम पूरा मेल फीमेल ही लिखना चाहते हैं, एफ और ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग में इनपुट कराइएगा, फिर वो इक्वल्स फंक्शन से मैच होगा। वो इक्वल टू से मैच नहीं हो सकता, कंपेयर टू भी और इक्वल, कंपेयर टू, हाँ गोल वाले ब्रैकेट में तो वैल्यू लिखी जाती है। तो देखो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, चाहे तो नेस्टेड बना सकते हैं इसको, इफ जो आपका एज है वो ग्रेटर देन, पहले हम इफ मैच कर लें या पहले जेंडर मैच कर लें, क्या था उसमें, पहले जेंडर मैच कर लें, जेंडर जो है अगर वो इक्वल टू मेल है, और साथ साथ इसका यहीं पे एंड में चेक कर लो क्या दिक्कत है, एंड एज इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 21, इक्वल टू था नहीं था, हाँ तो ग्रेट मेल है और जेंडर मेल है और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 है, तो ही कैन 21, तो ही कैन मैरिड, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स इफ लगा दीजिए, हाँ नेस्टेड बना सकते हैं, इसके अंदर ये वाली कंडीशन आ सकती है, लेकिन एंड एंड ऑपरेटर हम लोगों ने इसीलिए तो सीखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, इसमें एक काम कर सकते हैं, मेल के लिए मैसेज बना दें और यहां नीचे पर्सन की जगह पे मेल लिख दे रहे हैं, आप देखो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है, ये भी फॉल्स हो गई ये भी फॉल्स हो गई, तो वो मैरिज नहीं कर सकता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कहां जाएगा वो, एल्स में जाएगा। आप नेस्टेड में करते तब भी वो ऐसे कर सकते थे और ऐसे तो कर ही सकते हैं, तो एल्स में पर्सन कैन नॉट मैरिज, बस इतना। ठीक, इतना हो जाएगा कि अगर मेल है और 21 से ज्यादा एज है तो ये मैरिज हो जाएगी इसकी, अगर फीमेल है और 18 से ज्यादा है तो इसकी मैरिज हो जाएगी, क्योंकि इनमें दोनों में से फॉल्स हो गया, तो हाँ पर्सन लिखे दे रहे हैं, पर्सन कैन नॉट मैरिज, इतने से आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो हटो तुम पीछे जाओ, बीच से उठो पीछे जाओ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स, जाओ जाओ उठो, चित्रांशन को निकलने दो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड यूजर चॉइस फॉर ऑपरेशन मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बिलो, प्रिंट रिजल्ट आफ्टर
अप्लाइंग सिलेक्टेड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका स्विच केस का है कि दो नंबर इनपुट कराओ, अगर हम यहाँ पर चॉइस वन दें तो एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे करके वो 1 2 3 4 चॉइस होती है। तो ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं, पेपर में आया है तो, क्योंकि स्विच केस में यही क्वेश्चन तो पहले कराया जाता है ना, 10th है 10th। अभी नीचे दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमको, तुमने देखे नहीं होंगे कैसे किए जाते हैं। अलीशा बेटा, ये ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं ये 10th का पेपर है क्या, बताओ। अब सर क्या करते हैं? आपका फिर से मैं स्कैनर वाली लाइन के बाद सही लिख रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ पर INT में ए ओ बी दो वैल्यू ले ली मैंने, और रिजल्ट को मैं यहाँ पर R में ले रहा हूँ डबल टाइप का, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए R को मैंने डबल टाइप का ले लिया 0.0। और आप चॉइस भी इनपुट कराओगे तो CH ले लो, और फिर यहां पर सीधे SOPLN 1 = एडिशन, न पहले आप दो नंबर इनपुट करा लो क्योंकि सब में एक ही जैसी कैलकुलेशन यूज होनी है, तो एंटर टू नंबर और फिर A = SC.NEXT INT और B = SC.NEXT INT। उसके बाद मेनू बना दीजिए, 1 = addition slash n से दूसरा SOPLN नहीं लगाना पड़ेगा, और 2 = subtraction slash n, 3 = multiply फिर स्लैश एन, और 4 = डिवीजन। ठीक, ऐसे एक लाइन में भी मैं ऐसे दिया जा सकता है स्लैश एन लगाकर। उसके बाद CH = SC.NEXT INT। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रेजेंट लगा देंगे, प्रेजेंट सर लिखकर। ये आपकी वैल्यू इनपुट हो गई, मेनू बन गया, चॉइस इनपुट हो गई, अब स्विच लग जाएगा आपका। वो हाँ, ये ऊपर वैसे यहाँ पे एंटर अगर लिख दिया है तो फिर अलग से चाहो तो मैसेज ना भी दो, लेकिन हाँ तुमने सही कहा, मैं मैसेज दे देता हूँ एंटर चॉइस वाला। एक मैसेज दे दीजिए यहां पर SOPLN में, एंटर चॉइस, आप स्विच लगा दीजिए, स्विच CH केस 1, और R ले ही रखा आपने रिजल्ट के लिए, R = A + B और फिर SOPLN मैं विदाउट मैसेज दे रहा हूं, आप मैसेज दे सकते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर = डबल कोट्स बंद +R, तो ऐसे दे सकते हैं आप। हाँ, ऊपर रिजल्ट के लिए R को डिक्लेयर किया है हमने। उसके बाद ब्रेक लग जाएगा, ये पहला केस है, सब में R ही। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में अगर प्रिंट करोगे तो फिर वो मैसेज एक्यूरेट नहीं दे सकते, यहां पे एडिशन लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हो, लास्ट में नहीं लिख पाओगे। तो मैसेज मैंने छुड़वाया है ना कि आपने आप लिख लो, तो ये एडिशन हो गया। अब इसी का कॉपी पेस्ट कर दिया, केस टू बना दिया, और ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
ये केस टू है, माइनस कर दिया तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। आर रिजल्ट के लिए, क्योंकि इतने सारे केसेस में कोई एक ही केस चलेगा तो एडिशन होगा तब भी आर में आएगा और आर प्रिंट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तब भी आर में आएगा और आर प्रिंट हो जाएगा। तो आर में सारी वैल्यू नहीं आनी, कोई एक ही रिजल्ट आएगा क्योंकि चॉइस कोई एक ही होगी और केस कोई एक ही चलेगा। बस ये मैसेज हमने नहीं दिया है, मैसेज आप दे सकते हो, यहाँ एडिशन दे सकते हो, यहाँ सब्ट्रैक्शन दे सकते हो। ऐसे केस थ्री हो जाएगा आपका। केस थ्री और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर केस फोर, अब यहां पर केस फोर में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को, बताओ, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ए और बी इंटीजर लिए है ना हमने, अगर आपने डबल लिया है तो अच्छी बात है, वरना इंटीजर मैंने लिया है तो ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो वो इंटीजर इंटीजर कैलकुलेट होगा डिवाइड में, तो इंटीजर में ही रिजल्ट दे देगा। जैसे 5 अपॉन 2 करेंगे तो 2 ही दे देगा, 2.5 नहीं देगा। और आप कहो कि यहां पर आर तो डबल ले रखा है, तो डबल आर स्टोर करने के लिए तैयार है, रेडी खड़ा है, लेकिन ए डिवाइडेड बाय बी वाला स्टेटमेंट डबल वैल्यू दे तो वो दे ही नहीं रहा है, वो तो इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो अगर यहां पे 2.5 आना चाहिए और वो सिर्फ 2 दे देगा तो 2.0 स्टोर करेगा ये, इसलिए यहां पे डबल लगाना पड़ेगा आपको। और टाइप कास्टिंग करने का तरीका क्या है, किसी एक वेरिएबल को आप टाइप कास्ट कर दीजिए, जैसे मैं ए को कर रहा हूं तो ए के बगल में आपने डबल लिख दिया, आप बी को बनाना चाहते हैं डबल टाइप का तो ये डबल उठाकर यहां पर बी के साथ में रख दीजिए, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा डिफॉल्ट। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं? यस सर। हाँ बताओ, कोई डिस्कशन करना हो तो जरूर करो, क्योंकि यही समय है, कोई चीज पूछनी है तुरंत पूछिए कि ऐसा है वैसा है। लास्ट में डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस, और फिर आपके स्विच केस में 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होते हैं, स्विच केस का, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का और क्लास का, इतना ध्यान रखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूं। मन में बात ना रखिएगा, पढ़ाई का सबसे पहला रूल है मन में जो चल रहा है वो टीचर से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये भी ए बी करके था इसीलिए कम मार्क्स का है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट लार्जेस्ट 3 नंबर, 3 नंबरों में लार्जेस्ट नंबर। तो आप इसको टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हो और मैट डॉट मैक्स मिन से भी कर सकते हो और इफ एल्स इफ नेस्टेड। तो यहां पे रिक्वायरमेंट है आपकी इफ एल्स इफ नेस्टेड वाला तरीका सीख लीजिए, नेस्टेड इफ एल्स में कैसे किया जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो पूरा कंडीशन लगेगी प्रॉपर। लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर बी है, लार्जेस्ट, वो अंकल जी से कह दीजिए जो भी बच्चे हैं भगाएं यहां से। तो देखो 3 नंबर लेने हैं आपको, SOPLN एंटर 3 नंबर, और 3 नंबर में आप INT A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT INT B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT INT C
सी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अब एक वेरिएबल हमें यहां पर और लेना पड़ेगा, लार्ज नाम से या मैक्स नाम से। और देखो नेस्टेड वाला मैं दिखा रहा हूं, इफ ए बड़ा है बी से, कर्ली ब्रैकेट खोला, तो इसको सुन भी लो समझ भी लो, अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब ए को बी से बड़ा निकल गया तो सी से भी चेक कर लो। तो कंडीशन ट्रू होने पर चेक करो कि ए सी से भी बड़ा है, अगर ए सी से भी बड़ा है तो हम मैक्स इज इक्वल टू ए कर लेंगे। और मान लीजिए ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तो ए सी से बड़ा नहीं तो सी बड़ा होगा ए से, तो एल्स में इसका जाओगे और मैक्स इज इक्वल टू सी कर दोगे, और उसके बाद ये इफ कंप्लीट हो गई आपकी। अब मान लो कि ए बी से ही बड़ा नहीं है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कौन बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, तो बी और किससे रह गया चेक करने के लिए, ए बी से बड़ा नहीं है तो इनडायरेक्टली बी बड़ा हो गया ए से, ये चेक हो गया। अब इसका एल्स लगाओ और इसके अंदर चेक कर लो कि बी जो है सी से बड़ा है क्या, तो यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका। हाँ वो भी तरीका है, हम एक्चुअली ये नेस्टेड दिखाना चाह रहे हैं, कितने सारे तरीके हैं इसके, अभी हमने मैक्स मिन भी बताया आपको, टर्नरी ऑपरेटर भी बताया, ठीक है। तो अब यहां पर बी को चेक करना है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो यानी बी ए से बड़ा हो, ये ऊपर चेक हो गया, अब चेक एल्स में आ गए तो चेक करेंगे हम बी सी से बड़ा है, अगर है तो यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू बी, और नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स होती तो मैक्स इज इक्वल टू सी, बस ये आपका नेस्टेड बनती है, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पर मैक्स प्रिंट करा दीजिए, बाकी हमारी जो और क्लास होंगी उसमें हम आपके ये सारे तरीके डिस्कस कर लेंगे। मन तो हो रहा है कि हम सारे तरीके अभी दिखा दें, लेकिन हमें बहुत सारे और क्वेश्चन जो हैं उनको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल अप टू 10 मल्टीपल्स तक, और यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल फिबोनाची टर्म्स अप टू 100 टर्म्स, ये स्विच केस से तो है नहीं, यानी 5 का ए और 5 का बी ऐसे करके करना, दो पार्ट हैं, ठीक है देख लो जल्दी से, 5 का ए 5 का बी। वेरिएबल से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई एन टी ए आई और टी, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, और एस ओ पी एल एन एंटर अ नंबर, और ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। देखो भले ही वो इजी है लेकिन आप क्या आगे आगे हमसे बोल पा रहे हो अपने मन में, ये आपको चेक करना है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 मल्टीपल तक कहा था ना, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू ए इंटू आई। हाँ ऐसे धीमे धीमे अपने मन में बोलिए सुनाने के लिए कि हाँ आपको आ रहा है, टी को प्रिंट करा दीजिए, ये कर दिया बंद, और बाकी सारे कर लिए पैकेट बंद कर दिया, तो यहाँ पर नहीं, हाँ ठीक है, ए में आपने 5 इनपुट किया तो 1 से 5 तक 10 तक चल रहा है, तो 1 जा 2 जा 3 जा आपका आई दे देगा, और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 में क्या है, ए में क्या है 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 3 जा, इस तरीके से चलता रहेगा। अब उसके बाद फिबोनाची टर्म था आपका 100 तक, हाँ ऐसा कुछ कहा है क्या, एक मिनट, फिबोनाची टर्म में ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल टर्म्स
ऑफ फिबोनाची सीरीज अप टू 100। अच्छा मतलब तो ठीक तो है, हम 100 तक कर लो, अप टू 100 का ना कि 100 तक जितने फिबोनाची टर्म आते हैं वो सब, 100वां फिबोनाची टर्म आ जाए ये नहीं कहा गया है, 100 वाला फिबोनाची टर्म आ जाए ये नहीं कहा गया, 100 तक जितने अप टू 100, तो ये सिंपल वाला है वो अलग करना पड़ता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। तो फिबोनाची सीरीज में हम लोगों ने क्या सीखा है, अब देखो याद करो फिबोनाची सीरीज है ना, INT ए इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं हम लोग, और बी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सी ले लिया ठीक है, और एक आई ले लिया लूप चलाने के लिए, और यहां पर फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, और आई प्लस प्लस लूप चला दिया, और C इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर C को प्रिंट करा दिया, और फिर आपका स्वैपिंग बताओ, स्वैपिंग में क्या होता था, A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी, बस इतना ही करना है। तो फिबोनाची सीरीज ये होती है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, तो ये आपका दो नंबर है 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 आपका 5, और 5 प्लस 3 प्लस 5 8, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका है प्रोग्राम। हाँ अगर सीरीज 1 से शुरू हो रही तो फिर हमें ये वाले बदलने पड़ेंगे, ये दोनों, दो 1 नहीं एक ही 1 आया है, नहीं दोनों आए हैं, एक मिनट, तो देखो इसमें क्या चेंजेस करेंगे, बी अपनी वैल्यू यानी कि बी के पास था आपका 1, ये इसको दे दे, और सी अपनी वैल्यू, सी के पास 1 आया था, 0 आया था, 0 था ठीक, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, सी के पास 0 था ठीक, तो अगली बार हम करेंगे 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पर ए को 1 लेके चलेंगे और बी को 0 लेके चलेंगे, ए को 1 लेके चलेंगे और बी को 0 लेके चलेंगे, एक बार मैं हल्का सा चला के दिखाई दे रहा हूं, देखो 100 से छोटा है नीचे आ गया, ए में क्या है 1 और बी में क्या है 0, 0 प्लस 1 1 आ गया, सी में प्रिंट हो गया, तो यानी कि पहला आपका ये वाला 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद बी अपनी वैल्यू ए को दे दे तो बी के पास क्या है 0, और सी अपनी वैल्यू बी को दे दे तो सी के पास क्या है 1 दे दिया, फिर लूप ऊपर चला गया, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन 2, अब ए और बी के पास 0, 1 है, तो 0, 1, 0, 1 ऐड किया तो फिर से 1 आ जाएगा, सी प्रिंट हो जाए, यानी कि ये वाला 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद बी अपनी वैल्यू ए को दे दे तो बी के पास देखो 1 है, और सी अपनी वैल्यू बी को दे दे सी के पास भी 1 है, फिर आई प्लस प्लस होकर 3 हो गया, कंडीशन 2 नीचे आया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, अलीशा चल रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, ए में एक पैटर्न है और बी में एक पैटर्न है ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये अपने आप बना के देखो फटाक से, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए पैटर्न है आपका 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, तो यह इवन ऑड वाला है, आई मॉड 2 करेंगे या जे मॉड 2 करेंगे, अगर एक ही जैसी वैल्यू होती तो आई मॉड 2 करते, जैसे 0 0 आ जाता, 1 1 1 1 आ जाता, 2 2 2 2 इस तरीके से, तो यहां पर आई जे दो वेरिएबल लिए जाते हैं, आई नहीं नहीं स्विच केस नहीं है। हाँ बेटा ठीक, अभी आपसे हम बात करेंगे जे, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, अब ये स्टार वाला पैटर्न वाला लूप चलाएंगे ठीक है,
और फाइव लाइन का चला दीजिए आई प्लस प्लस और फिर फॉर जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस और यहां पे हम लोग इफ एल्स भी लगा सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने तो ज्यादातर टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया है क्योंकि उसमें एक लाइन में हो जाता है, लेकिन अभी हमें यहां पर इफ में करे दे रहे हैं इफ जे मॉड टू इज इक्वल टू जीरो तो एस ओ पी एल एन में जीरो प्रिंट हो जाए एल्स एस ओ पी एल एन नहीं लगाएंगे सॉरी एस ओ पी में वन प्रिंट हो जाए इसी को और फिर यहां पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट यहां पे जे वाला क्लोज हो जाएगा और फिर एस ओ पी एल एन लग जाएगा और फिर आई वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस ओ पी जे मॉड टू इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन मार्क जीरो कोलन साइन वन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है तो इतना ना बड़ा लिखना चाहे तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं इवन पे जीरो है ऑड पे वन है। तो ये मैं दिखाई दे रहा हूं ये कैसे क्या है। मान लीजिए आपकी लास्ट वाली लाइन प्रिंट होनी है तो लास्ट वाली लाइन में जे की वैल्यू क्या होती है अलीशा लास्ट वाली लाइन में आई की वैल्यू तो फाइव होती है जे की क्या होती है वन से स्टार्ट होती है तो वन टू थ्री फोर फाइव होती है। तो देखो जे की वैल्यू जब वन होगी थ्री होगी और फाइव होगी तो उसमें क्या चाहिए ऊपर वन 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 तो ऑड पे वन चाहिए और जब जे की वैल्यू टू और फोर होगी तो टू पे जीरो है और फोर पे जीरो है तो टू फोर क्या है इवन है तो इवन पे जीरो प्रिंट करा रहे हैं और ऑड पे वन प्रिंट करा रहे हैं बस। तो ये वाला एक पैटर्न हो गया अलीशा समझे में आ गया ना आपको yes. उसके बाद जो है दूसरा पैटर्न है आपका वन टू वन थ्री टू वन फोर थ्री टू वन फाइव फोर थ्री टू वन तो इसमें ये तो फिलिंदा ब्लैंक्स वाले तरीके से हो जाएगा आराम से। तो आई एन टी आई जे फॉर आई इज इक्वल टू अभी हम एक बार वो लॉजिक भी डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाले तरीके से करके देखेंगे J इज इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू जो भी है J प्लस प्लस एस ओ पी एल एन नहीं लगाएंगे J लिख देंगे लाइन चेंज किया एस ओ पी एल एन। अब इसमें हमें J वाला लूप पहले बनाना होता है तो हम लोग पैटर्न का क्या करते हैं स्टार्टिंग निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए नहीं स्टार्टिंग मतलब पूरी वैल्यू देखनी होती है तो स्टार्टिंग में पूरी वैल्यू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव ये किससे मिलेगा आई से मिलेगा इसका मतलब यहां पर आई रख दीजिए और आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वन और एंडिंग वैल्यू क्या है फाइव तो यहां पे वन रख दीजिए और यहां पर फाइव उसके बाद एंडिंग वैल्यू में देखो क्या है सारे एंडिंग वैल्यू में वन है तो यानी फिक्स वैल्यू है इसलिए यहां पर वन रख दिया गया। अब जरा साइन देख लो वन से फाइव क्या है असेंडिंग तो इसलिए लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस और यहां पर देखो फाइव से वन डिसेंडिंग है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस तो बस इस तरीके से ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर ये चीज जो है जो अब ये दो क्वेश्चन है ये अलग तरीके से दे दिए हैं क्वेश्चन जाने पहचाने लेकिन तुमको हाँ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर का है प्रोग्राम प्राइम भी है इसमें क्या वो प्राइम तो एक मिनट वी कॉल अ नंबर आर्मस्ट्रांग इफ इक्वल सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल डिजिट्स एंड अ नंबर सेट टू बी प्राइम इफ ओनली फैक्टर वन और इटसेल्फ राइट अ प्रोग्राम टू चेक विद इन रेंज 100 से 1000 के बीच में ऑल
आर्मस्ट्रांग नंबर ऑल्सो और अच्छा प्राइम और आर्मस्ट्रांग, मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो प्राइम भी हो और आर्मस्ट्रांग भी हो। तो प्राइम और आर्मस्ट्रांग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब है कैसे। जैसे पहला प्राइम नंबर हम लोग, वैसे वन तो सारे उसमें आ जाता है, वन आप प्राइम नंबर भी, प्राइम नंबर तो वन नहीं होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर वन हो सकता है। तो यहाँ पे तो हंड्रेड्स चलाना है, तो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर 153 पहला होता है, क्या ये प्राइम है? है 153 प्राइम है? नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरा प्राइम, दूसरा आर्मस्ट्रांग नंबर 370 होता है, ये प्राइम है? फिर तीसरा प्राइम आर्मस्ट्रांग नंबर जो है 371 होता है, 371 है ना, ये है। तो ठीक है, तो तो ये 100 से 1000 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट होगा, 7 से डिविजिबल है क्या 371? तो फिर प्राइम नहीं होगा ना अगर 7 से डिविजिबल है। बेटा देखो 371, तो यहां पर ये रियल में ये प्रोग्राम जो है आर्मस्ट्रांग के साथ जोड़ दिया गया, जबकि प्राइम पैलिंड्रोम जोड़ा जाता है, प्राइम पैलिंड्रोम कि जो पैलिंड्रोम जैसे 11 है, पैलिंड्रोम भी है, प्राइम भी है, ये आर्मस्ट्रांग के साथ जोड़ दिया गया, कुछ नया करने की सर ने कोशिश की है। तो खैर हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को लॉजिक बनाना आना चाहिए। तो यहां दो नंबर आपको चेक करने हैं और रेंज वाला प्रोग्राम है, तो रेंज वाले प्रोग्राम को समझ लिए बच्चों, ये नई चीज है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए स्कैनर वाली लाइन के बाद से मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तो आपको INT I चाहिए होगा लूप चलाने के लिए, और फिर J से हम चेक करेंगे प्राइम वाला लूप, और मान लेते हैं K से चेक करेंगे आर्मस्ट्रांग वाला लूप, और फिर प्राइम नंबर के लिए C = 0 चाहिए होगा तो सी ले लिया, आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए रिव चाहिए होगा, ठीक इतना ही चाहिए होगा। सम कहाँ करते हैं? अच्छा आर्मस्ट्रांग नंबर में सम भी करते हैं, ठीक है। हाँ क्या जरूरत है फंक्शन से करने की? अभी तुम लोग जो है इतने बड़े कहाँ होंगे, ये फंक्शन वाले वर्डिंग जो है आपके फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ में होती है, यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ इफ एल्स इफ के क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये फंक्शन से जरूरत नहीं है। हाँ एक अलग बात है कि फंक्शन से अगर करोगे तो ये थोड़ा और आसान लगेगा। फंक्शन से करा दें क्या? अच्छा सॉरी पैलिंड्रोम तो है ही नहीं, हमने पैलिंड्रोम बोल दिया था ना, इसलिए रिवर्स दिमाग में आ गया था। ये एस चाहिए होगा खाली आर्मस्ट्रांग नंबर में। देखते हैं क्या कहाँ पर। अब देखो सिंपल, देखो कुछ भी इनपुट नहीं करना है यहाँ पर, सीधे सीधे आपको एक लिमिट वाला लूप चला देना है, I = 100 और I < 1000। वन एंड इट सेल्फ, हाँ वन एंड इट सेल्फ लिखा है, लेना है, और I++। उसके बाद अब देखो ये तो रेंज वाला हो गया, मतलब ये मैं ये यहां पे एक सिखाना भी चाहता हूं, सर का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन रखा, नहीं तो ये मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, आता था ही नहीं रेंज वाला, इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। देखो प्राइम नंबर आपको मालूम है, आर्मस्ट्रांग भी मालूम है, नया क्या है बस ये रेंज वाला लूप, इसके अंदर बंद करना है उसको। तो देखो सबसे पहले हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कर लेते हैं, तो आर्मस्ट्रांग नंबर में हमें sum = 0 चाहिए होगा ना, तो sum = 0 आप यहां पे ले लीजिए,
और फिर अब आप जे से लूप चला दीजिए आर्मस्ट्रांग वाला, जे इज इक्वल टू नंबर कौन देगा, आई देगा, आई के पास जो नंबर है उन्हीं को चेक करना है वो आर्मस्ट्रांग है या प्राइम है। तो जे इज इक्वल टू आई और जे इज ग्रेटर देन जीरो और जे डिवाइड इज इक्वल टू टेन और उसके बाद सम करना है, सम इज इक्वल टू, हाँ पहले यहां पर एक और डिजिट भी तोड़नी पड़ेगी ना, D इज इक्वल टू J mod, बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, J mod 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस D इंटू डी, क्योंकि फिक्स है ना इसलिए D इंटू डी ही कर लो। अच्छा यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मान लीजिए 1000 ही प्राइम और आर्मस्ट्रांग दोनों होता तो उसमें चार डिजिट हो जाती, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा यार थ्री डिजिट का नहीं, उसमें सुनो लिसन उन्होंने आर्मस्ट्रांग नंबर में साफ साफ डेफिनेशन दी है कि थ्री डिजिट का उसमें क्यूब करना, क्यूब, वरना आप मै डॉट पाव लगा लेना यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं डॉट पाव लगा सकते हो और डी कॉमा उसकी फिर नाटक हो जाएगा, पावर फिर निकालते घूमो, वो सही है। तो ये आपका देखो, ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर इसमें आ गया, इसमें अब आपको क्या करना है, अब आपको प्राइम नंबर का करना है। तो प्राइम में क्या होता है, सी इज इक्वल टू जीरो चाहिए होगा आपको, और यहां पर आप चाहें तो ये जे से ही लूप चला सकते हैं, लेकिन मैंने डिफरेंट करने के लिए के ले लिया, के इज इक्वल टू वन और K इज लेस देन इक्वल टू, और नंबर किसके पास है, I के पास, और K प्लस प्लस उसके बाद इफ I mod, अब बोल नहीं पा रहे हो, I mod K इज इक्वल टू जीरो, तो C प्लस प्लस हो जाए, C प्लस प्लस इसको कर दिया बंद। अब देखो ये प्राइम भी निकला है, दो फैक्टर होंगे तो ये प्राइम होगा, है ना। अब यहां पे आप चेक कर लो, इफ पहले ऊपर वाला चेक करो, सम सम इज इक्वल टू अगर आई है, आई के पास ही तो नंबर था, तो सम इज इक्वल टू आई है और एंड सी इज इक्वल टू टू है, तो सी इज इक्वल टू टू का मतलब है प्राइम और सम इज इक्वल टू आई का मतलब आर्मस्ट्रांग। तो यहां पर SOPLN प्राइम आर्मस्ट्रांग या आर्मस्ट्रांग प्राइम नंबर जो भी देना चाहे। अच्छा मैसेज तो चाहिए नहीं, सिर्फ आई प्रिंट कराना बच्चों, मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ आई, और नॉट वाला भी नहीं चाहिए। अब यहां पे ध्यान देना, नॉट प्राइम नंबर या नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ वो अगर नंबर है तो प्रिंट हो जाए, और उसके बाद ऊपर वाला लूप बंद कर दीजिए, बस इतना ही है, ऊपर वाला लूप क्लोज हो जाएगा। तो देखो ऊपर जब ये प्रोग्राम चलाओगे तो कैसे वर्क कर रहा है, इसको हल्का समय बता दे रहा हूं कि आई सबसे पहले, ये आई सबसे पहले 100 देगा, है ना, और 100 इस लूप में सारी डिजिट टूटकर उसका 3 पावर होकर सम होगा, है ना। तो आपका 100 आर्मस्ट्रांग चेक हो गया, उसके बाद नीचे आए। अच्छा यहां पर ये क्यों दिया गया, क्योंकि अब की से आई प्लस प्लस होके 100 बन देगा तो तब भी हमें सम इज इक्वल टू जीरो चाहिए ना, और फिर 102 देगा तब भी सम इज इक्वल टू जीरो चाहिए, ऐसे इस प्राइम में भी सी इज इक्वल टू जीरो बार बार चाहिए होगा, तो मल्टीपल टाइम्स हमें सी इज इक्वल टू जीरो या वो चाहिए इस वजह से। और फिर 100 को अब यहां पर चेक करा जा रहा है कि आई के पास 100 है और उसको चेक करो कि 100 क्या प्राइम है, तो यहां पे C++ हो रहा है, और फिर दोनों को एक साथ, क्योंकि वो प्राइम भी होना चाहिए आर्मस्ट्रांग भी होना चाहिए, इसलिए एंड में दोनों को एक साथ चेक किया जाएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहां से लूप ऊपर चला जाएगा। अब I++ होके 101 दे देगा, फिर 101 के साथ यही सब होगा, फिर I++ होके 102 दे देगा और 1000 तक ऐसा करता जाएगा। अलीशा क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, छोटा सा एक फंक्शन बनाना है। जिसको कहीं कोचिंग वोचिंग में लेट हो रहा हो वो जा भी सकता है, क्योंकि ये एक ही क्लास में आ जाए, इसलिए एक ही क्वेश्चन तो बचाइए।
देखो इधर, राइट अ प्रोग्राम, ध्यान से सुनो, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि इस तरीके से नहीं आएगा आपके यहां टेंथ में। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन, ये फर्स्ट ईयर में आता है सेक्शन सी में। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन मेथड आईएनटी रिवर्स, और यहां पे एन पैरामीटर ले लिया गया, दैट रिटर्न्स रिवर्स ऑफ गिवन आईएनटी आर्गुमेंट, और लेटर यूजिंग दिस मेथड प्रिंट ऑल पैलिंड्रोमिक नंबर बिटवीन टू गिवन लिमिट्स, और उसके बाद पैलिंड्रोमिक नंबर, ठीक पैलिंड्रोम नंबर की बात हो रही है, और वहां पे वो कह रहे हैं एक फंक्शन बनाकर ये काम करना है, और स्टार्टिंग एंडिंग लिमिट भी एंटर करना है, नहीं उसके बीच में सारे वो प्रिंट हो जाएं। तो इसको समझ लेना ये क्या है, और मैं करके दिखा रहा हूं यहां पर। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ, वैसे नेस्टेड लूप है टेंथ में, नेस्टेड का मतलब जरूरी नहीं कि दो ही लूप हों, तीन लूप भी हो सकते हैं, लेकिन नेस्टेड ऐसा नहीं हो सकता कि लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, वो तीन लूप नहीं हो सकते हैं, हाँ वैसा नहीं हो सकता। तो इसको मैं लिखे दे रहा हूं फटाफट, देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका 8 है, यहां पे क्लास नंबर डाल दिया आपने, अच्छा इंपोर्ट वाली लाइन में लगाए ले रहा हूं, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपका क्या बताया गया था, आईएनटी, आईएनटी रिवर्स, ये कैसे बनता है इसको देख लो, रिवर्स और ब्रैकेट में आईएनटी एन, एन में जो नंबर भेजा गया उसको रिवर्स करके रिटर्न करो, तो रिवर्स वाला लॉजिक आपको मालूम है, यहां पे आईएनटी आई चाहिए होगा और रिव इज इक्वल टू जीरो चाहिए होगा, और डिजिट तोड़नी तो डी भी ले लो, फॉर ये वाइल लूप से भी आप कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं, फॉर आई इज इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई डिवाइड इज इक्वल टू 10, यहां पे डी इज इक्वल टू आई मॉड 10, और रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस डी। बच्चों ये आपका रिवर्स का लॉजिक है, आपको याद करना पड़ेगा, रिव वाली लाइन रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद वो उसको रिटर्न कर देना है, तो यहां पे रिटर्न रिव, नंबर रिवर्स हो गया। अब देखो बच्चों हमने यहां फंक्शन क्लोज कर दिया, ये वाला फंक्शन यहां पर क्लोज हो गया, ऊपर खुला था यहां पर बंद हो गया। अब यहां पर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, और यहां पर स्कैनर वाली लाइन भी लिखेंगे, और एसओपी एलएन एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट ये आप ले लोगे, और उसके बाद आप यहां पर आई एन टी एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, और आई एन टी ई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो स्टार्टिंग एंडिंग लिमिट ले ली, अब आपकी मर्जी, यही वाला एग्जांपल ले लीजिए कि हमने यहां पे स्टार्टिंग में 100 लिया है, एंडिंग में 1000 लिया है, तो 100 से 1000 के बीच में जितने पैलिंड्रोम नंबर है सारे प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो बस अब आई वाला लूप चला दीजिए, फॉर लूप के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम इसको बाहर यूज नहीं करना है आई को, तो लूप के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है। आई एन टी आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग यानी स्टार्ट एस, और I इज लेस देन इक्वल टू E, और I प्लस प्लस चित्रांश देख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, अपने आप को कई सारे ऐसे माहौल आएंगे जहां पे अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए कि हमें कुछ और भी आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ठीक है, नहीं तो हंसते रहो, बोर्ड में नहीं आएगा।
उसके बाद अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग लिमिट मान लीजिए 100 है, तो सबसे पहले 100 को चेक करें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिवर्स चाहिए, और रिवर्स कौन कर रहा है, रिवर्स वाला फंक्शन ऊपर, तो इसका मतलब उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे कॉल किया रिवर्स, रिवर्स, और इसमें हमने आई की वैल्यू को ऊपर भेज दिया क्योंकि ये वैल्यू ऊपर एन में जानी है, एन के पास चेक होने जानी है, तो चेक क्या मतलब रिवर्स होने जानी, तो आई की वैल्यू को भेज दिया। अब ध्यान देना वहां से रिवर्स नंबर रिटर्न होके आ रहा है ना, तो रिटर्न होके आ रहा है, तो रिटर्न वाला पोर्शन आपको यहां पे अलग से लिखना पड़ता है कि किस वेरिएबल में रिटर्न होके आया। मान लीजिए मैं आर में ले रहा हूं रिटर्न, तो यहां पे आई ने 100 ऊपर भेजा, 100 का रिवर्स जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, आर में। उसके बाद हम यहां पे मैच करेंगे इफ जो आर वाला रिवर्स वाला नंबर है वो क्या आई वाले नंबर से मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो आई वाला नंबर पैलिंड्रोम है, तो आई वाला नंबर प्रिंट हो जाए, और उसके बाद ये हो जाएगा लूप बंद, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद, और ये क्लास बंद। अब जरा देखो ऐसे भी चल जाएगा, हाँ हाँ ऐसे भी चल जाएगा, और चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्या जरूरत है सेम नाम के लेने की, और लिए भी नहीं जाते हैं। तो देखो आई प्लस प्लस हो के अब क्या हो जाएगा, 101 100 तो पैलिंड्रोम होता है 101, तो यहां पर आओगे अब नीचे उतरे 101000 से छोटा है नीचे उतरे, और रिवर्स फंक्शन कॉल हो गया, और यही पे बस ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता है ओबीजे डॉट रिवर्स, अगर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते तो ओबीजे डॉट रिवर्स हो जाता। और फिर यहां से आप चले जाते ऊपर, यहां आ जाते, और जो भी आई का नंबर था वो किस में आ जाता, 101 एन में आ जाता। अब एन का यहां पर ये रिवर्स का लॉजिक लिखा है, तो 101 रिवर्स होकर 101 ही रिव में आता, और फिर रिव को रिटर्न कर दिया तो 101 ही रिटर्न होके नीचे जाता। उसके बाद वो कहां स्टोर होता है 101, फंक्शन कॉलिंग से जस्ट पहले जो भी वेरिएबल दे रखा है उसमें स्टोर होता, तो 101 यहां आ जाता, और 101 और आई के पास तो 101 था ही, दोनों मैच हो जाते तो आई प्रिंट करा देते, फिर ऐसे ही आई प्लस प्लस होके 102 हो गया, और 2 के हिसाब से होगा फिर 3 हो जाएगा, और 1000 तक ऐसा करता रहेगा। अब यहां पर अगर ये प्रोग्राम कोई बच्चा कंप्यूटर पे चलाता है और उसका बाय चांस कोई सिंटेक्स एरर आए, तो वो उसकी वजह से अगर है तब तो वो अपना देखे, अगर हमारी वजह से है तो बस इतना ही हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है फंक्शन स्टैटिक भी होते हैं और नॉन स्टैटिक फंक्शन भी होते हैं, हम लोगों ने हमेशा नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाए हैं, तो ऊपर रिवर्स वाला जैसा है वो भी हमने क्या बनाया, नॉन स्टैटिक फंक्शन, और नॉन स्टैटिक फंक्शन को जब स्टैटिक फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं, जैसे स्टैटिक फंक्शन कौन क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक फंक्शन है ना वॉइड मेन, उसके अंदर से कॉल कर रहे हैं तो वो एरर शो कर सकता है, तो उसके लिए क्या तरीका था, उस एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ में नॉन स्टैटिक फंक्शन को भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर से कॉल किया जा सकता है। तो यानी आप एक ऑब्जेक्ट बनाकर और फिर यहां पर ओबीजे डॉट रिवर्स कॉल कर लीजिएगा, तो आपकी एरर दूर हो जाएगी, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ऊपर वाला जो फंक्शन है आईएनटी रिवर्स, तो स्टैटिक आईएनटी रिवर्स लिख दीजिएगा, अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं और एरर आ गई तो ऊपर वाले फंक्शन को जो नॉन स्टैटिक है उसको स्टैटिक टाइप बना दीजिए, तो स्टैटिक आईएनटी रिवर्स कर दीजिए, बाकी सब सेम। कंप्यूटर कोई अगर समझदार है तो चला के देखे, ये सब चीजें टेक्निकल हैं और अंदर की चीजें हैं, इनको आपको पता करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, पेपर अच्छा था, और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप जो है, क्योंकि मैं ये YouTube पे भी डालता हूं तो कमेंट लाइन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई पेपर हो तो आप अपने भी पेपर भेजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उनसे ज्वाइन कर लीजिए WhatsApp ग्रुप ऑनलाइन वाला, जिससे कि आप कभी भी कोई भी डिस्कशन हमसे कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you.